फरीदाबाद के सेक्टर 56 क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सेक्टर 58 स्थित कंपनी की एल्युमिनियम से भरी हुई गाड़ी को चोरी की वही वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल आरोपी उसी कंपनी में ड्राइवर का काम करता था और पैसे की जरूरत होने के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं कंपनी के मालिक ने शिकायत में बताया कि आरोपी ड्राइवर उत्तम कुमार हरदोई जिले का रहने वाला है। वहीं एसपी अमन यादव ने बताया कि आरोपी ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और इससे पहले अभी तक कोई क्राइम भी आरोपी ने अब तक नहीं की है। पैसे की जरूरत के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। जिस ट्रक को आरोपी ने चुराया था उसे ट्रक में करीब 20 लाख रुपए के एल्युमिनियम का सामान रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई करेगी। बहुत 1 नवंबर को सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर एक FIR दर्ज करवाई गई थी रविंद्र सिंह चौहान की नाम की शिकायतकर्ता के द्वारा, जो एक सम्राट लॉजिस्टिक नाम की कंपनी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी। उनने जो शिकायत दी थी उसमें उनका जो कैंटर था वो चोरी हुआ था और साथ में कैंटर के अंदर लगभग 20 लाख रुपए का एल्युमिनियम जो था, लगभग 60 टन वजन का जो लोड था वो भी साथ में चोरी हुआ था। उसी संदर्भ में जो क्राइम ब्रांच 56 के इंचार्ज है पी एस आशीष पाल, इनकी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम उत्तम कुमार है, हरदोई का रहने वाला है, लगभग 40 वर्ष का है। उत्तम कुमार शिकायतकर्ता के पास उसकी कंपनी के अंदर ही ड्राइवर का काम करता था और जो पूछताछ में सामने आया वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, तो उसने चोरी का रास्ता चुना और गाड़ी के अंदर जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, जो GPS वगैरह थे, उन सभी को उसने डिसमेंटल किया, हटा दिया और उसके बाद उस गाड़ी को लेकर के चला गया था, जिसे हरदोई से गिरफ्तार कर लिया गया और अभी जो सामान गाड़ी के अंदर एल्युमिनियम लोड था वो भी बरामद कर लिया गया है और अब इसे पुलिस रिमांड पर लेकर के और आगे इससे पूछताछ की जाएगी कि इसने पहले भी वारदात को अंजाम दिया। अभी तक की जो पूछताछ में जो सामने आया है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, इस वारदात में अकेला ही था, इसके साथ कोई दूसरा शामिल नहीं है। आरोपी शिकायत करता की कंपनी में लगभग 2.5 महीने से काम कर रहा था। ये जो एल्युमिनियम जो ये चुरा था, इसकी बाजारिया कीमत क्या होगी और जिस तरीके से इसमें गाड़ी से सबकी जो कीमत होते हैं, जितने वगैरह होते हैं, वो कैसे आता है? जो 1 नवंबर को सेक्टर 58